चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने बताया है कि धोनी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अंतिम ओवर के दौरान उनसे क्या कहा था। ये मैच 1 मई को हुआ था जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 13 रनों से जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। दरअसल आपको बता दें, मुकेश चौधरी ने पावर प्ले में अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर दिया था। हालांकि उन्होंने बाद में हिसाब चुकता करते हुए अपनी टीम के लिए 4 विकेट चटकाए। बता दें, सनराइजर्स की शुरुआत बहुत ही विस्फोटक रही थी और उन्होंने 4 ओवर में 46 रन बना दिए थे, लेकिन फिर 6ठे ओवर में अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी के विकेटों ने लय को बिगाड़ कर रख दिया। आपको बता दें, मुकेश चौधरी ने मैच के बाद कहा कि कोई भी विकेट नहीं गिरा था तो मुझे अपने मौके लेने थे और मैं जानता था कि मैंने पहले से ही एक कैच छोड़ दिया है तो मुझे विकेट लेना ही था और ईश्वर का शुक्र है कि ऐसा हुआ। मुकेश ने ये बात उस 6ठे ओवर के बारे में कही और बताया कि इस मुकाबले में डेविन ब्रावो नहीं खेल रहे थे। मुकेश चौधरी ने कहा कि मेरे कंधे पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी पावर प्ले में आ गई थी क्योंकि डेविन ब्रावो के पास काफ़ी अधिक अनुभव है, वो मुझे सलाह देते रहते थे। उन्होंने कल मुझे बताया कि मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी और टीम का वातावरण हमेशा बहुत सहयोगी रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद को अंतिम ओवर में जीत के लिए 38 रन बनाने थे। 20वें ओवर के बारे में बात करते हुए मुकेश चौधरी बताते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनसे क्या कहा था। वो कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे कुछ भी स्पेशल नहीं कहा था। उन्होंने मुझे बताया कि बॉल को स्टम्प टू स्टम्प रखना है और कुछ भी खास करने का प्रयास नहीं करना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।